सो यार देखो, लास्ट वीडियो में मैंने अपना प्राइस एक्शन जब बनाया था, मैंने वो एक चीज़ समझाई थी कि एक तो निफ्टी बार बार कहाँ का सपोर्ट ले रहा है, एक इस लेवल का भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आया नहीं, ब्रेक किया नहीं, देन हुआ क्या, मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन को ज़रा गौर से देखना, और बिल्कुल मार्केट थोड़ा सा गिरा, लेकिन गिर के सीधे यहाँ का सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे विक्स ज़्यादा बन के बॉटम बना दिया, देन यहाँ का ब्रेकआउट लिया और इसने लगभग 18,080 तो आज लगभग हम वहाँ तक गए हैं। सो अब आगे का क्या प्लान है, अब मैं बताता हूँ आपको। सो अब आप देखो, जैसे अभी एसजीएक्स निफ्टी की क्या दिखा रहे हैं हमें कि हम कल गैप अप खुलने वाले हैं, और बहुत बड़े गैप अप के साथ। दिखा तो मैं आपको एसजीएक्स, देखो हम कितने में कल खुलने वाले हैं। अभी यहाँ पे तो दिखा रहा है 18,171। मान लो अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता तो हम 18,120-112 आराम से खुलेंगे कल। सो कल के लिए हमें क्या करना है, वन आवर टाइम फ्रेम में हम गए और आज लगभग उसी ट्रेंड लाइन के पास ही मार्केट घूमा है, जो भी है ब्रेकआउट। पर अभी ब्रेकआउट क्या ये मान ले, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तो हम कल के लिए क्या करेंगे। ये तो गैप अप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा ही हुआ। ये देखो एक हिस्ट्री है, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी बेस की तरह, ये वाली ट्रेंड लाइन है ये बेस की तरह काम करेगी, ठीक है। और ये कल ये रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, जो गैप अप खुलने के बाद देखेंगे कि अगली 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, क्योंकि अगर कल 200 पे गया तो ज़रूरी है कि अब आने वाले दिनों में हमें 280 भी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हम कहाँ पे बनाते हैं, अब हम बेस बनाते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस बनाएंगे कहाँ पर, ये देखो ये वाला लेवल अपना रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला 18,300। और कल रिलायंस चलेगा, रिलायंस में बड़ा अच्छा मतलब पैटर्न बना हुआ है, तो रिलायंस भी कल चल सकता है। तो पहले इसे बनाते हैं, ये यहाँ पे ये रहा हमारा रेजिस्टेंस रेड लाइन का एंड सपोर्ट। अब जो होगा हमारा वो होगा ये वाला, कुछ ये रहेगा यहाँ, या फिर ये रहेगा। क्यों रहेगा ये वाला सपोर्ट, मतलब न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल कहूँगा इसे, मैं न्यूट्रल इसलिए कह रहा हूँ इसे। अगर आप देखोगे मार्केट गिरा यहाँ से, पहले कलर चेंज कर दूँ, हाँ मार्केट गिरा यहाँ से, यहाँ पे गया देन, पर जब यहाँ से गिरा था ना, यहाँ देखो 1, 2, 3 से फिर ऊपर गया, फिर देन नीचे ब्रेक किया, तो जहाँ से ब्रेक डाउन आता ना वो सपोर्ट रहता है, वो मतलब कुछ एक लेवल रहता है जिसे मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करता है। सो ये तो रहा अपना कहते हैं बेस का, कल का सपोर्ट रहेगा। अगर 18,848 या 18,850 के नीचे गया तो हम देख सकते हैं इसे कहाँ पर, ये यहाँ इस लेवल पे फिर से 17,800। तो अगर हम यहाँ पे कल मान लो अगर जहाँ भी खुलेंगे ये लेवल, ये रेंज बड़ी टाइट रहेगी कल, ये वाली की देखो, कल मार्केट इसी के बीच में घूम सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। कल कंसोलिडेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये हो गया, ये हो गया, ये तीन, ये इतना पूरा लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इस पे ज़रा गौर से ध्यान देना। एंड नाउ बेस के लिए हम क्या बनाएंगे, सपोर्ट ये रहा हमारा 17,900 या फिर इसे ही बना देते यार 17,800,
1700 ही हमारा अभी सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी में। एंड सो अब आप देख लो आपके लिए क्या रहेगा पहला टारगेट ऊपर के लिए। अगर हम लॉन्ग होते हैं तो सबसे पहला टारगेट आएगा 18211 का, फर्स्ट टारगेट ये रहा। देन सेकेंड हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे और हम रेजिस्टेंस ही फेस करेंगे, और एक तरह से ये डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है जो बुलिश भी है एक तरफ से, एक बॉटम दो बॉटम, ठीक है। सो अब ये तो हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। पहला टारगेट कल के लिए 18211, दूसरा टारगेट 18345 रहेगा। अगर एक पुल बैक आता है लगभग, या तो कुल कंसोलिडेट करता रहेगा 18268 पे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का चेकअप करने। बैंक निफ्टी बिल्कुल, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने इस वाले चार्ट में आपको क्या समझाया था, ये क्या बना है डबल बॉटम। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा बनाया ना, देखो बैंक निफ्टी में गए ये डबल बॉटम, ठीक है। जब ये डबल बॉटम बनेगा तो ये इस लेवल पे आएगा, सबसे पहले ये आएगा इस लेवल पे, क्योंकि यहीं से एक रेजिस्टेंस बनता चला है इसके लिए। और मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको, अगर मान लो अगर ये ब्रेक भी करता है तो ये सबसे पहले 40200 के पास जाएगा, नीचे आता है। अगर ये इसमें भी चलता रहेगा तो ये ऊपर ही जा सकता है, ऐसी गुंजाइश है। अगर नीचे आया तो हमारा टारगेट 38183 रहेगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से इसे रिमूव करते हैं। सो अब आप देख लो अब आपको कैसा क्या लगता है चार्ट वगैरह सब कुछ। टारगेट कल यहाँ पे हमें छोटे छोटे मिल देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे। बैंक निफ्टी वैसे भी गैप अप खुल रहा है, निफ्टी वैसे भी गैप अप खुल रहा है 18172 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे खुले भी तो बैंक निफ्टी में कहाँ पे खुलेंगे हम, 18150 के पास भी मान लो अगर हम खुल गए तो सिर्फ यहाँ से 150 पॉइंट और आ सकते हैं आने को, नहीं तो अगर नीचे आएंगे तो ये नीचे 1850 के नीचे अगर हम नीचे बंद हुए दोबारा, देन हम फिर से यहाँ पे आ सकते 1817800 पे। सॉरी। सो थैंक यू।